हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मार्वल की पहली हैलोवीन स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं फेमस म्यूजिक कंपोजर माइकल गियाचिनो और ये उनकी पहली मूवी है एज डायरेक्टर। ये सेम नाम की मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है और MCU में ये मार्वल का पहला स्पेशल है, यानी कि ये भी एग्जिस्ट करती है सेम यूनिवर्स में। फिलहाल ये हिंदी में तो है नहीं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इसमें हुआ क्या। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक हॉरर थीम इंट्रो से, स्पेसिफिकली यूनिवर्सल मॉन्स्टर टाइप। आगे हमें OG एवेंजर्स दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि इस धरती पे हीरोज हैं, लेकिन साथ ही मॉन्स्टर्स भी हैं अंधेरे में। हम कुछ मॉन्स्टर्स को देख भी पाते हैं, जैसे कि ड्रैकुला, साइरन और बिगफुट। अब मॉन्स्टर्स हैं तो उन्हें मारने वाले हंटर्स भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे मेन है ब्लडस्टोन फैमिली, जिनके पास मौजूद है ब्लडस्टोन। इसे आप एक बड़ा ही वैल्यूएबल हथियार समझ लो, जो काम आता है मॉन्स्टर्स को मारने में। और अब इसे एक नया मास्टर चाहिए, क्योंकि पुराना मास्टर यूलिसिस मर चुका। आज रात उसका फ्यूनरल है, जिसमें दुनिया के हर कोने से महान हंटर्स आए हैं एक सेरेमनी में पार्ट लेने। बेसिकली एक हंट होगा और जो जीतेगा वो हकदार बन जाएगा ब्लडस्टोन का। सबसे पहले हम देख पाते हैं जैक रसल को, जो कि अंदर एंटर हो रहा था और वहाँ दीवारों पर कुछ वॉर्स दिखाई गई थी जो हुई थी मॉन्स्टर्स के खिलाफ। इनमें हम वेयरवुल्फ को भी देख पाते हैं। वो अंदर जाता है तो वहाँ मॉन्स्टर्स को मारकर सजाया हुआ था। इनमें है येती, बिगफुट, साइरन, ड्रैकुला और साथ में और भी कई सारे। यूलिसिस का कॉफिन भी वहीं पर था और वहीं बीच में रखा था ब्लडस्टोन। बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है, सिर्फ यही रेड है। जैक की मुलाकात होती है जोवन नाम के हंटर से और जैक उसे बताता है कि वो ड्रैकुला से पहले भी लड़ चुका है, जो कि कॉमिक्स में हुआ था। वहाँ पर यूलिसिस की बेटी एल्सा भी आई थी, क्योंकि ब्लडस्टोन की असली हकदार तो वही है, लेकिन इसका वो अधिकार अब छिन चुका है, क्योंकि ये 20 साल पहले यहाँ से भाग गई थी। अब अगर इसे वो स्टोन चाहिए तो इसे भी हंट में भाग लेकर जीतना होगा, और ये बात उसे बताई उसकी खड़ू स्टेप मॉम वेरुसा ने। अपने फादर की ट्रेनिंग इसके पास है, जो इसने कभी यूज नहीं की, बल्कि उस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से ये भागी थी। खैर, वेरुसा सभी हंटर्स को संबोधित करती है और हमें एक बेटर आइडिया मिलता है उन सब के बारे में। बिली स्वान के पास है 26 स्किल्स, लिंडा के पास है 37, साइमन के पास है 43, जोवन के पास है 57 और जैक के पास 100 से भी ज्यादा। वो इतनी ज्यादा किल्स कर चुका है कि उसे खुद भी याद नहीं। एल्सा इनके आसपास भी नहीं आती, उसने आज तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं मारा। ऐसा देखकर पता चल रहा है, क्योंकि बाकी सबके ऊपर चोटों के निशान है, जबकि ये एकदम साफ है। खैर, वेरुसा का सर्वेंट कॉफिन ओपन करता है और हम देख पाते हैं यूलिसिस को, जो कि खुद ही सबका वेलकम कर रहा था, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को बना दिया गया है एक एनिमेट्रॉनिक पपेट और आवाज भी पहले से रिकॉर्डेड है। जाने से पहले वो सारी तैयारी कर गया था। वो बताता है कि एक भयानक मॉन्स्टर यहाँ छोड़ा जाएगा और जो उसे मार देगा ब्लडस्टोन उसका। ये स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर फिक्स किया जाएगा, ताकि मॉन्स्टर को मारे बिना कोई इसे ना ले पाए, और इससे मॉन्स्टर कमजोर भी होगा, साथ ही गुस्सा भी। जो भी हथियार यूज होंगे वो सभी गार्डन में ही मौजूद हैं, इन्हें बस ढूंढना होगा। अब बाकी सब एल्सा का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ बिलोंग नहीं करती, लेकिन इतना हक तो उसका बनता है उसकी फैमिली की चीज पर। हंट स्टार्ट होता है और जैक थोड़ा लकी था, इसलिए सबसे पहले वो एक गार्डन में एंटर हुआ, और गार्डन किसी भूल भुलैया से कम नहीं। बाकी सब भी एंटर हो गए और सभी हथियार ढूंढने में लगे थे कि तभी जैक का सामना हो गया एल्सा से। चुपचाप वहां से निकल रहा था कि तभी जोवन ने उन पर अटैक कर दिया। मॉन्स्टर तो बाद की बात है, पहले हटा रहे हैं कॉम्पिटिशन। अब जैक तो भाग गया और पिटने लगी एल्सा, लेकिन उसके स्किल्स भी कम नहीं। जोवन को चेत करके वो उसका वेपन लेकर भाग गई। आगे उसका सामना हुआ साइमन से, जो हाथ में लगी मशीन से तीर मार रहा था, तो एल्सा ने सीधा हाथ ही काट दिया। यहाँ फायर शुरू हुई तो साइमन ने उठा लिया उसका वेपन और उसने साइमन का हथियार, यानी हाथ वाला हथियार, सीधा गले में तीर मार के उसने साइमन को चेत कर डाला, और तभी वहां पहुंच गया जोवन। एल्सा साइमन को चैन की नींद सुला रही थी, इतने में जोवन अपना वेपन लेकर चुपचाप वहां से निकल गया, और यहाँ एक हंटर तो कम हुआ। उधर जैक बचता हुआ फिर रहा था कि तभी मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मॉन्स्टर इसका दोस्त है। ये यहाँ पर आया ही इसलिए ताकि अपने दोस्त को बचा सके। इसका दोस्त है मैन थिंग और इसका नाम है टेड। ये मैन थिंग का डेब्यू है MCU में। हम देख पाते हैं कि स्टोन लगा है उसकी पेट पर। जैक उससे बातें कर रहा था कि तभी लिंडा वहां पर आ गई, इसलिए जैक और टेड दोनों भाग निकले। भागते हुए जैक पहुंच गया क्रिप्ट में, जहां एल्सा भी मौजूद थी, और अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया, जो कि प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि ये दरवाजा अब लॉक्ड है। एल्सा की पूरी फैमिली के कॉफिन्स पड़े थे। या दोनों के बीच बातचीत होती है तो एल्सा समझ जाती है कि ये शिकार करने यहाँ पर नहीं आया। तब जैक कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो मेरी हेल्प करो मॉन्स्टर को यहाँ से निकालने में, और स्टोन तुम्हारा। एल्सा मजाक में कहती है कि मॉन्स्टर क्या तुम्हारा दोस्त है, जिसका जवाब भी उसे मिल गया।
बाकी सब तो बाद की बात है, पहले तो यहाँ से निकलना होगा। जैक को लग रहा था कि वो यहीं पर मर जाएंगे, तभी एल्सा को याद आती है अपनी आंट फ्रांसिस, जिन्हें पूरा यकीन था कि मरने के बाद एक दिन वो फिर से जिंदा होंगी, और जब जिंदा होंगी तो यहाँ से निकलने के लिए उन्हें चाहिए होगी दरवाजे की चाबी। इसलिए चाबी उनकी बॉडी के साथ ही रखी गई थी, जो कि अब इनके काम आएगी। बॉडी के पास एल्सा को एक वेपन भी मिल गया। बाहर निकलकर एल्सा साइमन का हथियार उठा लेती है और जैक को बताती है कि पास में ही एक दीवार पर क्रैक है। एक्सप्लोसिव के जरिए वो उस दीवार को तोड़ सकता है, जो कि इसके पास मौजूद है। अब जाने से पहले जैक उसे बताता है कि अगर मॉन्स्टर मिले तो उसे मारना मत, उसे टेड के नाम से बुलाना, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन गलती से जैक ने वहीं पर एक्सप्लोसिव ट्रिगर कर दिया, इसलिए दोनों जल्दी से भाग गए। आगे जाते ही एल्सा को मिल गया था जोवन, जिसके पास अब दो हथियार मौजूद थे, लेकिन तभी टेड ने आकर एक ही पल में उसे राख कर दिया। वो एल्सा को भी मार देता अगर वो उसे टेड कहकर ना बुलाती। उधर काफी बेवकूफी करने के बाद जैक दीवार तोड़ने में कामयाब हो गया। इतने में एल्सा और टेड भी वहां पहुंच गए थे, और टेड तो सीधा ही वहां से भाग निकला, और उसके जाते जाते एल्सा ने वो स्टोन भी निकाल लिया अपनी आंट के हथियार का यूज करके। फाइनली जैक ने अपने दोस्त को बचा लिया। अब वो स्टोन उठाकर एल्सा के पास ले जा रहा था, लेकिन हाथ लगाते ही स्टोन ने उसे काफी दूर फेंक दिया। इससे एकदम साफ हो गया कि जैक कोई हंटर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, और इस बात का शक तो हमें पहले से था, तभी तो मॉन्स्टर इसका दोस्त है। अब इसका अंजाम बुरा होगा, और साथ में एल्सा का भी इसका साथ देने के लिए। दोनों को शॉक देकर बेहोश कर दिया जाता है, और होश आने पर दोनों खुद को बंद पाते हैं केज में। यहाँ जैक बताता है कि वो एक वेयरवुल्फ है, और सिर्फ फुल मून होने पर वो भेड़िए में बदलता है, इसलिए एल्सा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुल मून है 5 दिन बाद। लेकिन चिंता तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 दिन तो दूर की बात है, ब्लडस्टोन 5 सेकंड्स में इसे असली रूप में ले आएगा, इसलिए ये दोनों एक साथ बंद है, क्योंकि ये पनिशमेंट है दोनों की। ये पता चलते ही जैक अच्छी तरह एल्सा को सूंघने लगा, और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आई कांटेक्ट बनाए रखना, ताकि बदलने के बाद भी इसे एल्सा याद रहे। हालांकि ये तरीका उतना कारगर नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही बार काम किया था। इससे हम समझ पाते हैं कि ये पहले भी किसी अपने को जिंदा छोड़ चुका है। खैर, सभी अंदर आ जाते हैं, और आते ही वरुसा ने स्टोन को हाथ में लेकर एक मंत्र पढ़ा, जिससे जैक उसी वक्त बदलने लगा। अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते तो अच्छा होता, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं गई, यह हमें परछाई से ही काम चलाना पड़ा। जैक भेड़िए में बदल गया, और वरुसा हंस रही थी तभी भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसका काम हो जाता तभी गार्ड्स ने शॉक देकर उसे फ्री करवा लिया, लेकिन इतने में भेड़िया भी फ्री हो चुका था। वो हमला बोल देता है, और हम देख पाते हैं कि क्लासिक वुल्फमैन के जैसा उसका लुक है। वो पूरी रैंपेज पर था, और यहाँ काफी खून खराबा भी देखने को मिल रहा है, जिसकी उम्मीद हमें दूर दूर तक नहीं थी। इतने में एल्सा भी बाहर आ गई, और आते ही उसकी लड़ाई हुई बिली से, जो कि बड़े आराम से मर गया। इसके बाद बारी आई लिंडा की, लेकिन वो भी टक्कर में नहीं थी। ऐसी दैत देखने को मिलेगी ये सोचा नहीं था। उधर भेड़िया भी फुल रेज मोड पर लगा हुआ था। एक के बाद एक वो गार्ड्स को मार रहा था, और इतना ज्यादा वायलेंस और गोर अगर कलर में होता तो इस मूवी के लिए प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन जो भी है, इंप्रेसिव है। ये सीक्वेंस इस मूवी का सबसे बेस्ट है। स्टोन का यूज करके वरुसा ने भेड़िए को काबू कर लिया। वो उसे खत्म कर देती अगर एल्सा उसे ना रोकती। वरुसा को चित करके वो भेड़िए के पास जाती है, तो भेड़िया उसे दबोच लेता है, लेकिन मेन चीज वो भूली नहीं थी, इसलिए बच गई। आई कॉन्टेक्ट। भेड़िए के अंदर कैद जैक ने उसे पहचान लिया। इस ब्यूटी एंड द बीस्ट वाले हिसाब के बाद भेड़िया वहां से भाग जाता है, लेकिन एल्सा अब भी सेफ नहीं, क्योंकि वरुसा उसे मार देगी। उसके फादर की गन लेकर वो रेडी थी कि तभी वहां आ गया टेड। एक ही झटके में उसने वरुसा को राख करके फेंक दिया यूलिसिस के कॉफिन पर, यानी कि एक रूल राज अब खत्म हुआ। अब तक आप जान पाए कि असली बुराई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि हंटर्स थे। एल्सा टेड को बताती है कि जैक तो चला गया, इसलिए वो भी चला जाता है। यहाँ सर्वेंट को अपनी नई मास्टर मिल गई, और साथ में ब्लड स्टोन को भी। यहाँ स्टोन ने अपने रंग बिखेर दिए, और सब कुछ कलरफुल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जैक को, जिसे सुबह होते ही होश आ गया। टेड उसके साथ है, और वो दोनों प्लान कर रहे हैं सुशी खाने का। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई क्लासिक दी एंड के साथ। तो स्टार्टिंग से मूवी क्लासिक यूनिवर्सल मॉन्स्टर वाले थीम पर चलती है, लेकिन एंड में जो एक्शन सीक्वेंस आया वो एकदम अलग और बेस्ट था। इतनी मेहम की उम्मीद मुझे थी भी नहीं। लग रहा था कि एंड भी स्लो ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एंड में जो कलर्स आए थे वो एकदम सिमिलर थे हैमर हाउस मूवीज से, जिनमें क्लासिक मॉन्स्टर्स को एक नए तरीके से पेश किया गया था। ये सिर्फ एक गैस है, लेकिन हैमर हाउस फेमस है अपने ड्रैकुला के लिए, और एंड में जैक को जिस तरह दिखाया गया वो एकदम सिमिलर था। इत्तेफाक तो ये होगा नहीं। अब हॉरर एस्पेक्ट इसमें ज्यादा था नहीं शुरुआत से ही, लेकिन मिस्ट्री बहुत ज्यादा थी, और एंड में एकदम बहुत कुछ देखने को मिला। अगर भेड़िया की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देते तो काम एपिक हो जाता। ओवरऑल मुझे पसंद आई। मार्वल में हॉरर कैरेक्टर्स कई हैं, और सबसे फेमस हंटर को तो आप जानते हो, ब्लेड। नई ब्लेड मूवी भी आ रही है, और क्या पता किसी वे में ये उसके साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ड्रैकुला टाइप वैम्पायर हमें इसमें दिखा। और अगर आपको वेयरवुल्फ के बारे में और भी जानना है तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें कई सारी वीडियोस हैं, उन्हें आप चेक कर सकते हो। आपको पूरा लोर पता चल जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं, प्लस आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी।
खैर आप बताइए आपको स्पेशल कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि मार्वल फ्यूचर में ऐसे और भी स्पेशल लाए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको बचाने आती रहे। और ज़्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।